आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जटिल प्रश्न का बहुत सरल उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आज आपको जरूर मिलेगा। बहुत से लोगों का प्रश्न है, क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगा? जैसी विश्व की स्थिति है उसके अनुसार क्या हम किसी ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मानवता को बहुत बड़ा खतरा हो? मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दुनिया खतरे में है, ये उन लोगों की बहुत बड़ी भ्रांति है। शनि अभी धनु राशि में है, फरवरी 2020 से वो अपनी ही राशि मकर राशि में जाएंगे। ढाई साल के लगभग वहां रहने के बाद वो कुंभ राशि में आएंगे, वो भी उनकी अपनी ही राशि है। ऐसे में लगभग 5 वर्ष का समय, फरवरी 2020 से लगभग 5 वर्ष का समय इस पूरे विश्व के लिए ऐसा आने वाला है जो इस पूरे विश्व को उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो हम बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। चाहे वो अमेरिका की समस्या हो या हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की हो, चाहे हिंदुस्तान में भारत की पाकिस्तान से कश्मीर समस्या हो, धारा 370 कॉमन सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, माओवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिगत आरक्षण, ये जितने भी मसले हैं, इन सभी का स्थायी समाधान इन आने वाले लगभग 6 से 7 वर्षों में 100% निकलेगा। पाकिस्तान की बात करें, चाहे उसकी अपनी समस्याएं हो, चाहे भारत के साथ उसकी समस्या हो, चाहे अफगानिस्तान के साथ उसकी समस्या हो, उसके भी स्थायी समाधान यहां पर जरूर निकलेंगे। चाइना का तिब्बत से जो झगड़ा हो या हिंदुस्तान से कोई झगड़ा है उसका स्थायी समाधान, रशिया का और अमेरिका का जो संबंध है उसके स्थायी समाधान, साउथ कोरिया, ईरान, इराक, ये ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं जो बहुत लंबे समय से दुनिया को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, ये उन सभी समस्याओं के स्थायी समाधान का वक्त अब बहुत जल्द शुरू होने वाला है। शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। अभी तक तो वो धनु राशि में लोगों को समझा करके इस रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मौका दे रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व के अंदर जो सत्ता परिवर्तन आप लोगों ने देखा वो इसी का एक प्रारंभिक रूप है। फरवरी 2020 तक ये पूरे विश्व में जो भी सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा कार्य है ये पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद में पूरे विश्व में उन शक्तियों का साम्राज्य होगा जो न्यायप्रियता को बढ़ावा देंगी, मानवता को बढ़ावा देंगी, जिनका उद्देश्य पहले मानवता होगा बाद में कुछ और। ये समय हमें बहुत ही सावधानी से देखने और समझने का है। यदि हम अपने आप को किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न रखेंगे या संलग्न रखेंगे जो कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, वो कार्य आपको अब
बंद करने ही होंगे, अन्यथा आप शनि के प्रकोप के लिए तैयार हो जाइए। आप यदि ये समझें कि मैं बहुत बड़ा शासक हूं तो ये आपकी भूल है। आप ये समझें कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हूं, मैं चाहे जो कर सकता हूं, मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूं, इसकी आड़ में मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अब वो मुखौटे उतरने का समय आ गया है। जिन लोगों ने भी शराफत के मुखौटे पहन रखे हैं और उसकी आड़ में लोगों को परेशान करना, उनको ठगना, उनका शोषण करना, ये कार्य उन लोगों का रहा है, ये उन सभी लोगों के लिए अब परिणाम भुगतने का समय है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत से ताकतवर लोग अपनी शक्तियां खोएंगे और उनके ऊपर भी न्याय का डंडा चलेगा, उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। जो लोग भी अब तक अपने आप को किसी भी अनैतिक कार्य से जोड़कर जिन लोगों ने अपने आप को रखा है, उन सभी को अब तैयार रहना है बुरे परिणाम भुगतने के लिए। इस क्षेत्र में इसके साथ ही ये आने वाला समय टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही उन्नति वाला रहने वाला है। नए नए आविष्कार, नई नई खोज, मेडिकल क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां, विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज, और यहां तक कि मानवता को नए नए आविष्कार देने का समय भी अब आने वाला है। यानी आने वाले 7 वर्षों में ऐसे बहुत से नए चीजों का आविष्कार भी होगा, नई चीजें लोगों के बीच में आएंगी, जिससे उन्हें अपने जीवन शैली को और आसान और बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण ये आने वाला समय रहेगा, न्याय से परिपूर्ण ये समय रहेगा, अन्याय, अत्याचारी और समाज में अच्छा मुखौटा लगाकर उनको ठगने वाले, लूटने वालों के लिए ये समय जो आ रहा है, इससे बुरा समय कुछ और हो ही नहीं सकता। ये शनि का न्याय करने का तरीका है। आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय शक्ति को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए आप देखिए, जितनी भी विश्व में समस्याएं हैं उनके स्थायी समाधान भी आपको मिलेंगे, और जो लोग बरसों से दुनिया को बेवकूफ बनाते आ रहे थे, दुनिया को ठगते आ रहे थे, दुनिया को लूटते आ रहे थे, दुनिया में अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते आ रहे थे, उन सभी को सबक मिलने वाला है। नई शक्तियों का उदय विश्व में होगा, न्यायप्रियता बहुत बढ़ेगी, समाज के अंदर एकरूपता ये जरूर होगा। यानी जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उस फैसले को उस देश का प्रधानमंत्री भी मानता है और एक साधारण सा इंसान भी मानता है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस फैसले के खिलाफ जा सकता हो। इसी तरह की परिस्थिति भी इस ब्रह्मांड में आने वाले समय में बनने वाली है, जिसके फैसले को मानना सभी के लिए अनिवार्य है। कोई भी उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान ही क्यों ना हो या फिर एक साधारण मनुष्य क्यों ना हो, सभी को उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप अपने आप को स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर परमार्थ के कार्य से जोड़ के रखें, देश हित के कार्य से जोड़ के रखें, समाज के भलाई के कार्य से जोड़ के रखें, तो आपको निश्चित मानिए शनि के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आने वाले 5 से 7 सालों में
आप जब इन परिणामों को देखेंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि ये जो वीडियो मैंने आज आप लोगों के सामने बना करके जो मैं लेकर आया हूं ये कितना सटीक है। पूर्व में भी मैंने जब शनि ने धनु राशि में प्रवेश किया था तब भी मैंने वीडियो बनाया था और कुछ भविष्यवाणी की थी, वो यूं की यूं सटीक साबित हुई है और आने वाले समय के अंदर ये भी सही साबित होंगी। मेरा उद्देश्य मात्र आप लोगों को आगाह करना है कि अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कर्म क्षेत्र को न्यायप्रियता के लिए इस्तेमाल करिए। अगर आप अपने आप को किसी भी तरह के अनैतिक कार्य में संलग्न कर रहे थे तो अब आपके लिए जागने का समय आ गया। अपने आप को वहां से मोड़िए और मुख्य धारा में शामिल हो जाइए ताकि शनि आपके साथ में वो कार्रवाई ना करे जैसा कि करने के लिए वो विश्व विख्यात हैं कि शनि तो बहुत ही क्रूर ग्रह हैं। दोस्तों इतिहास गवाह है कि शनि ने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था, इसलिए आने वाले जो 5 से 7 वर्ष का समय है जब तक शनि अपनी राशियों में रहेंगे मकर में और कुंभ में तब तक पूरे विश्व के लिए ये न्याय स्थापित करने का समय है। इस समय का सदुपयोग करें बिना किसी डर के कि आपको शनि की 7.5 लग रही है अब क्या होगा। अगर अपने आप को न्याय के साथ जोड़ के रखेंगे तो निश्चित मानिए आप सफलता प्राप्त जरूर करेंगे।